स्वागत है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। जैसा कि आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा है डिजो वॉच 2 में सेंसर जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं सरफेस टेस्ट पे यहाँ पे मेज़र कर रहा है और इवन सिलिकन बैंड पे भी रखने पे ये मेज़र कर रहा है, पिलो पे रखने के मेज़र कर रहा है ये। तो आज मैं इसका टेस्ट करूँगा और लाइव आपको दिखाऊंगा और साथ में इसका कंपेरिजन भी करूँगा सेंसर का रियलमी वॉच से, और साथ में हम उसके साथ भी कंपेरिजन करेंगे। मेरे पास एम आई का बैंड 4 है तो देखेंगे किस तरीके से मिलता है। यहाँ पे एच आर मॉनिटर में एयर टेस्ट करता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे एयर टेस्ट में डेफिनेटली मेरे ख्याल से नहीं बताएगा, यहाँ पे बोल देगा कि सेंसर मेजरिंग फील्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जाता है। SPO2 लेवल को एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे एयर में, और यहाँ पे स्कैन कर रहा है और यहाँ पे बता रहा है मेजर फील्ड। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम रियलमी की वॉच ले लेते हैं। यहाँ पे रियलमी की वॉच में हम एयर टेस्ट करते हैं HR मॉनिटर का, देखते हैं बताती कि नहीं बताती। तो यहाँ पे मेज़र कर रही है और थोड़ा सा टाइम लेने वाली है। मैं आपको यहाँ पे स्किप नहीं करूँगा बिल्कुल वीडियो, ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पता चल सके कि कौन सी वॉच में अच्छी तरीके से मेज़र करता है, कौन सी वॉच में मेज़र नहीं करता है। यहाँ पे देख सकते हो 40 BPM दिखा रहा है, एयर में दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे सेंसर फेक है, इसका मतलब रियलमी वॉच जो पुरानी वाली है। यहाँ पे हम SPO2 लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेज़र हो रहा है एक बार, तो यहाँ पे भी टाइम लेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 25 सेकेंड तक लेता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेजर फील्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पे रियलमी की जो फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ पे HR मॉनिटर में कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। जैसे कि देख सकते हो आप रिव्यू के टाइम जो मैंने कंपेरिजन किया था उस टाइम कोई इशू नहीं था, वहाँ पर ये बता रहा था मेजर फील्ड। यहाँ पर कहीं ना कहीं मेज़र कर रहा है एयर का, आप देख सकते हो यहाँ पर 40 BPM दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं रियलमी की वॉच भी हो सकती है फॉल्टी, ये भी है कहीं ना कहीं। मैं सेंसर को साफ कर लेता हूँ एक बार, फिर एक बार चेक करते हैं। और यहाँ पे मेज़र कर रहा है और देखते हैं कि क्या ये बताता है कि नहीं बताता। तो यहाँ पे लाइट्स तो नहीं जल रही, यहाँ पे नहीं बता रहा इस बार। तो देख सकते हो आप थोड़ा सा साफ़ करने के बाद पीछे का सेंसर यहाँ पे मेज़र फील्ड दिखा रहा है। तो मे भी क्या पता, ये हो सकता है कि अगर आपने अपनी डिजो वॉच को साफ़ नहीं किया सही से, पीछे की जो सेंसर है अगर उसमें स्मज है थोड़ा सा, तो उससे भी हो सकता है। यहाँ पे मैं Dizo 2 वॉच में एक बार HR मीटर को ऑन कर देता हूँ और सरफेस टेस्ट करेंगे एक बार। मैंने यहाँ पे नॉर्मल ही रख रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे बेड पे ही, और देखते हैं मेज़र करती है कि नहीं करती। तो यहाँ पे मेज़र करना स्टार्ट कर रही है और यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगी, देखते हैं यहाँ पे। तो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे इवन चादर पे भी यहाँ पे 85 BPM दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सही भी कह रहे हैं कि उनकी वॉच में ऐसा इशू आ रहा है। SPO2 लेवल को चेक कर लेते हैं एक बार, बेड पे रख के मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेज़र कर रहा है और यहाँ पे 96 शो कर रहा है। तो SPO2 लेवल बेड का यहाँ पे SPO2 दिखा रहा है आपको। तो क्या ये सेंसर फेक है, क्या ये सेंसर सही है, आगे पता करते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे और भी यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को आप ऑल कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे मैं पिलो पे चेक करता हूँ, पिलो पे मैंने रख दिया है और HR मॉनिटर हम ऑन करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ पे मेज़र करना स्टार्ट कर रहा है और देखते हैं कि कितने टाइम में यहाँ पे बताता है या नहीं बताता है। यहाँ पे पता चल जाएगा अगर ये बताएगा अभी। तो यहाँ पे मेज़र फेल्ड दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो पिलो पे अब नहीं दिखा रहा है। तो ये टाइम इंटरवल के हिसाब से होता है, मतलब कभी बता रहा है कभी नहीं बता रहा है, ऐसा हम लेके नहीं चल सकते। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे SPO2 लेवल बता रहा है, वहाँ पे SPO2 लेवल नहीं बता रहा था, या स्मजेस हटाने के बाद नहीं बताता है। तो ऐसा भी हो रहा है कभी कभी। तो गाइज़ यहाँ पे एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे रियलमी की वॉच ले आता हूँ। यहाँ पे हम पिलो पे रख देंगे इसको, चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ पे मैं HR मीटर खोल लेता हूँ एंड यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। HR मीटर ओके, मेज़र पे मैंने कर दिया है। एक बार वापस से चादर पे कर लेते हैं, फिर हम पिलो पे करेंगे इसका टेस्ट। तो यहाँ पे मेज़र हो रहा है, तो यहाँ पे भी आई गेस बता देगा वापस से। जैसे कि आपको एयर टेस्ट में भी ये फेल हो गई थी, यहाँ पे 40 BPM दिखा रहा है। तो ऐसा हो जाता है, स्मजेस हैं अगर आपके उस पर सेंसर पे, तो आप उसको साफ़ कर लीजिए एकदम क्लीन, देन उसके बाद चेक करिए। एक बार मैं SPO2 लेवल को भी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे वापस से। तो यहाँ पे मेज़र हो रहा है और इसमें अगर बताना होगा तो बता देगा, या तो नहीं बताएगा मेरे ख्याल से। तो गाइज यहाँ पे आई गेस इवन एंड में ही फेल हो सकता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ना उसको मिल रहा हो तो मेज़र फील्ड बता सकता है लास्ट में भी। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है ऑलरेडी। एंड मैं यहाँ पे स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको सही से इंफॉर्मेशन मिल सके, फिर आप बोलेंगे मैंने स्किप कर दिया बीच में और डायरेक्टली वो वीडियो लगा दी आगे से। तो मैं स्किप बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेज़रमेंट फेल्ड दिखा रहा है,
तो डेफिनेटली यहाँ पे सेंसर अच्छी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि आपने देखा। और अब हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ एचआर मीटर को, एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे पिलो पे रख के। तो यहाँ पे ये मेज़र कर रहा है, देखते हैं मेज़र करता है कि नहीं करता। थोड़ी सी फ्लैशलाइट ऑन है, ये मैं एक्चुअली अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। एंड वन सेकेंड, ओके यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेज़र कर रहा है एंड देखते हैं किस तरीके से बताता है यहाँ पे पिलो पे, बताता है कि नहीं बताता है। और यहाँ पे देख सकते हो 51 BPM दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं कह सकते कि रियलमी की वॉच है, उसमें भी ऐसा फेक सेंसर लगे हुए हैं। SPO2 लेवल का चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मेज़र कर रहा है जैसा कि आप सब देख सकते हो। और ये भी टाइम लेने वाला है क्योंकि रियलमी की जो फर्स्ट जनरेशन, उसमें टाइम लेता ही लेता है, जो स्कैन करता है कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लेता ही लेता है। और एक्चुअली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से मैंने रिव्यू में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जो ऑक्सीमीटर के साथ टेस्ट था मैं ऑलरेडी कर दिया था मैंने वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक्यूरेट आ रहे थे रिज़ल्ट। तो उसके बाद भी लोगों को इशू आ रहा था इस चीज़ से। तो यहाँ पे ये मेज़र कर रहा है एंड देखते हैं पिलो का ये SPO2 लेवल बताता है कि नहीं बताता है। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इसमें भी, जैसे पहले टाइम लिया था इसने, मेज़रमेंट फेल्ड आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कभी ये हिट कभी मिस, हिट मिस का ऑप्शन आ रहा है, कभी कभी बता रहा है कभी नहीं बता रहा है। यहाँ पे मेरे पास है MI Band 4 और MI के बैंड की एक्यूरेसी अच्छी होती है जैसे आप सभी को पता है। तो यहाँ पे MI बैंड के साथ भी एक बार मैं वो कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं खोलता हूँ, इसमें HR मॉनिटर ही है, इसमें SPO2 लेवल मॉनिटर तो नहीं है, तो वो मैं चेक नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये मेज़र कर रहा है तो देखते हैं यहाँ पर कितना बताता है। एक्चुअली 75 जो बता रहा है ये पहले चादर का ही बताया था इसने। तो ऐसा ऐसा भी नहीं आप कह सकते कि मतलब जितने भी स्मार्ट वॉचेस हैं, जितने भी बैंड्स हैं, उसमें फेक सेंसर लगा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता किस तरीके से कैसे बता रहा है, बट यहाँ पे MI का बैंड भी बताया जाता है, आपका सरफेस टेस्ट में भी बताया जाता है। और एयर का तो मैंने किया नहीं है तो मैं उसका नहीं बता सकता अभी। अभी आपको मैं एयर का टेस्ट भी करके दिखाऊंगा इस MI बैंड का। तो यहाँ पर ये कर रहा है और वहाँ पर देख सकते हो आप 99 BPM दिखा रहे हैं Dizo 2 में, और यहाँ पर 75 दिखा रहे हैं, और 101 103 इस तरीके से यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से उसमें शो कर रहा है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको पिलो पे रख देता हूँ और पिलो पे चेक करते हैं इसका, और इसको भी पिलो पे रख देता हूँ तो पिलो पे चेक कर लेते हैं। देख सकते हो आप 76 दिखा रहा है, वो चादर का 76 दिखा रहा है, इसका मतलब MI बैंड भी स्कैन कर रहा है, मतलब चादर का BPM या चादर का आप कह सकते हो Dizo 2 में SP2 लेवल। तो यहाँ पे 84 दिखा रहा है और वहाँ पे कांट मेजरेट दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो कभी कभार MI बैंड नहीं दिखा रहा है और कभी कभार MI बैंड दिखा दे रहा है, और कभी कभार Dizo नहीं दिखा रही है और कभी कभार Dizo दिखा दे रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं, किसी टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर सकता है, वो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। स्मजिस से डेफिनेटली हो सकता है ऐसा कुछ, तो स्मजिस नहीं होनी चाहिए सेंसर पे, तो वो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। अगर आपके उस पर स्मजिस हैं तो सेंसर को साफ़ करके फिर टेस्ट करिए इसका, तो आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा। यहाँ पे दोनों में साइड बाय साइड रख देता हूँ, यहाँ पे HR मीटर ऑन करता हूँ, यहाँ पे भी HR मीटर एक बार ऑन कर लेता हूँ। और थोड़ा सा हम इसको क्लियर दिखाने के लिए थोड़ा सा पास लेके चलूँगा मैं अभी। यहाँ पे कर रहा है ये और स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो वहाँ पे। थोड़ा सा हम पास चलते हैं यहाँ पे और जूम करता हूँ मैं, 76 शो कर रहा है वहाँ पे और यहाँ पे अभी नहीं कर रहा है। यहाँ पे 101 शो कर रहा है Dizo में और यहाँ पे 76 शो कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हो MI बैंड भी दिखा रहा है और MI बैंड कभी कभी नहीं भी दिखाता है, तो इस तरीके से हो रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे कोडेंट मेज़र दिखा रहा है तो यहाँ पे हिट एंड मिस है दोनों में कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे एक बार इसको वापस से पिलो पे रख लेते हैं और MI बैंड को भी मैं पिलो पे रख देता हूँ एक बार, देखते हैं बताते कि नहीं बताता। थोड़ा सा मैं इसको स्टेबल कर लेता हूँ ताकि सेंसर अच्छी तरीके से पिलो पे सेट हो जाए और यहाँ पे स्कैन करे और बताइए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे 76 पहले का है तो देखते हैं यहाँ पे बताते कि नहीं बताता। यहाँ पे मैंने अभी भी एक भी बार इसका सेंसर साफ नहीं किया है, तो आप ये भी देख सकते हो कि सेंसर में कहीं ना कहीं साफ़ करना होता है आपको, उसके बाद आप चेक करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे 89 शो कर रहा है आप देख सकते हो Dizo में, और वहाँ पे 76 यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी भी मेज़र हो रहा है। यहाँ पे कोडेंट मेज़र दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे MI बैंड का सेंसर अच्छी तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे Dizo वॉच का सेंसर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है।
तो गाइज़ ये कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि मतलब सेंसर की एक्यूरेसी उतनी कुछ खास ना हो इसमें, बट जैसा कि मैंने डीप डाउन रिव्यू में बताया था ऑलरेडी कि ऑक्सीमीटर के साथ टेस्ट करने पे एक्यूरेट आ रही थी रीडिंग्स यहाँ पे। और जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे एयर में मेज़र नहीं कर रहा है, फेल्ड ही दिखा रहा है। और यहाँ पे एम आई बैंड की बात करें तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं एयर में इसका भी, तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। यहाँ पे एच आर मीटर ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको हटा लेता हूँ हाथों को, तो देखते हैं यहाँ पे बताएगा कि नहीं बताएगा। सेंसर देखिए ऑन है, पीछे लाइट जल रही है, मतलब एयर में फिर सेंसर कैसे ऑन हो रहा है इसका, ये भी एक फ्लॉ ही है इस हिसाब से। यहाँ पे सेंसर काम कर रहा है एयर में, राइट, तो देखते हैं यहाँ पे बताता है कि नहीं बताता। एंड गाइज यहाँ पे अभी तक सेट नहीं किया है इसने पूरा प्रॉपर, तो यहाँ पे देख सकते हो एयर का ये बता रहा है, तो यहाँ पे हम भरोसा नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर चीज़ मिल रही है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सेंसर की एक्यूरेसी ना भी अगर हम माने तो बिल्ड क्वालिटी तो बेटर है ही, डिस्प्ले क्वालिटी अगर इस प्राइस रेंज में अगर आप देखो खुद ही आप एनालाइज कर लो मार्केट में कितनी वॉचेस हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी या डिस्प्ले क्वालिटी से कम्पीट कर पाए, कोई नहीं है ना इस प्राइस रेंज में। गाइस ये था मेरा एक स्मॉल सा वीडियो जहाँ पे मैंने एक्यूरेसी टेस्ट के बारे में आपको एक्जैक्टली बता दिया। अगर आपको अभी भी लगता है कि वॉच आपके वर्थ में नहीं है तो आप इसको मत लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।